का चैंपियन, ये हम द क्रिकेट शो में आपको बता रहे हैं। फाइनल में श्रीलंका को टीम इंडिया ने 10 विकेट से हरा दिया और 8वीं बार एशिया कप का खिताब जो है वो टीम इंडिया ने जीता है। सिर्फ 51 रन बनाने थे, टीम इंडिया ने 50 रन पर श्रीलंका को ऑल आउट कर दिया था। सिर्फ 15 ओवर में श्रीलंका को 50 रन पर उड़ा दिया था और 51 रन टीम इंडिया ने सिर्फ 6 ओवर एक बॉल में बना लिए। ईशान किशन और शुभमन गिल जो ओपनर आए थे टीम इंडिया की तरफ से, वो नॉट आउट रहे हैं। शुभमन गिल 27 रन बनाकर नॉट आउट रहे हैं, ईशान किशन 23 रन बनाकर नॉट आउट रहे हैं और टीम इंडिया ने 10 विकेट से ये बड़ी जीत हासिल करी है। टीम इंडिया ने ये एशिया कप में एक जबरदस्त डोमिनेशन दिखाया है। इंडिया अब एशिया कप 2023 का चैंपियन है। फाइनल में श्रीलंका को 10 विकेट से टीम इंडिया ने हराया है और ये सिर्फ इस मैच की बात नहीं है। अगर आप इस पूरे टूर्नामेंट को देखें तो नेपाल को वहां पर हमने 10 विकेट से हराया, पाकिस्तान को हमने 228 रनों से हराया। एक बार जब ऑल आउट हो गई थी टीम इंडिया श्रीलंका के अगेंस्ट मैच में, वो स्कोर छोटा स्कोर भी डिफेंड किया। बांग्लादेश से जरूर आ रहे पर वहां पर काफी सारे चेंजेस थे, लेकिन आज जब फाइनल में टीम इंडिया उतरी, श्रीलंका ने टॉस जीता, पहले बैटिंग का फैसला लिया, सिर्फ 50 रन पर ऑल आउट कर दिया। आकाश भाई हमारे साथ हैं। मुझे लगता है कि वो जो उस दिन नेपाल के साथ मैच हो रहा था ना, वो श्रीलंका की टीम थी और आज जो है वो मतलब नेपाल की टीम खेल रही थी, मेरे को ऐसा लगा। आकाश भाई मतलब ये जिस तरीके से ये जो मतलब डोमिनेशन, आप अपनी लैंग्वेज में बताओ, अपनी भाषा में थोड़ा सा, ये विनिंग मोमेंट्स अगर आपको कमेंट्री में डिस्क्राइब करने होते। आकाश भाई नहीं, ये तो ईशानदार